सिंगर सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने वाले शूटर दीपक मुंडी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर, दीपक मुंडी और उसके दो साथियों को नेपाल के झापा गांव से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मानसा में तीनों का मेडिकल कराया गया है, थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। दीपक मुंडी के लिए हथियार और रहने खाने का इंतजाम करने वाले कपिल पंडित और राजेंद्र उर्फ जोकर को भी पुलिस ने धर दबोचा है। तीनों की गिरफ्तारी की कहानी भी काफी दिलचस्प है। कपिल और राजेंद्र पर दीपक मुंडी की मदद का आरोप, कैसे दबोचेगा सिद्धू मूसेवाला के मुजरिम। दीपक मुंडी अपने दो साथियों के साथ नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन नेपाल के झापा गांव में दाखिल होते ही गांव वालों ने इन्हें बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया। जमकर धुनाई हुई और इसके बाद तीनों को नेपाल पुलिस के हवाले कर दिया गया। दीपक मुंडी, कपिल पंडित और राजेंद्र उर्फ जोकर ने नेपाल पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, खुद को कारोबारी बताया, लेकिन नेपाल पुलिस परिचितों की गवाही के बिना उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। राजेंद्र उर्फ जोकर ने जैसे ही फोन मिलाया, दिल्ली पुलिस ने उसे इंटरसेप्ट कर लिया। उसका फोन पहले से ही सर्विलांस पर था। नेपाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को पंजाब दिल्ली पुलिस की टीम को सौंप दिया है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में 6 शूटर शामिल थे। करीब 3.5 महीने बाद दीपक मुंडी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। शूटर प्रियव्रत फौजी, कशिश और अंकित परेसा पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि मनप्रीत सिंह और जगरूप सिंह उर्फ रूपा मुठभेड़ में ढेर हो गए थे। मेरे सहयोगी अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, ताजा जानकारी क्या मिल रही है? क्या अब माना जाए कि जितने भी शूटर्स थे, जितने भी आरोपी इस हत्याकांड में शामिल थे, क्या आप सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है या कुछ और पुलिस की गिरफ्त में आने अभी बाकी है? जी देखिए, सबसे पहले जो ताजा अपडेट है कि दीपक मुंडी, कपिल पंडित और राजेंद्र, जिन्हें नेपाल पुलिस से नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया था, उन सभी को मानसा की अदालत में पेश कर दिया गया है और अदालत ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी में तीनों आरोपियों को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया है। नंबर 1। नंबर 2 आपको बताऊं कि जो सिद्धू मूसेवाला है, उस पर गोली चलाने वाले 6 लोग थे, जिसमें 4 लोग, जो 4 शूटर हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 2 शूटर एनकाउंटर में मार गिराए गए थे। दीपक मुंडी की बात करें तो गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लगातार बिहार के बॉर्डर इलाकों में छुपा हुआ था और नेपाल के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे ये जब तीनों आरोपी, तो गांव के इलाके से जा रहे थे। उसी दौरान गांव के लोगों ने बच्चा चोर का गैंग का सदस्य समझा और उसके बाद जमकर तीनों की धुनाई की और उसके बाद नेपाल पुलिस के हवाले कर दिया। नेपाल पुलिस को भी पूछताछ में इन लोगों ने गुमराह किया और असली वजह ने बताई कि ये भारत से वांटेड है, जिसके बाद नेपाल पुलिस ने जब इनका वेरिफिकेशन शुरू किया और कहा कि आप अपने किसी करीबी को बुलाएं, और जैसे ही राजेंद्र ने फोन मिलाया वो फोन इंटरसेप्ट हो गया और उसके बाद पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस नेपाल पहुंची और फिर तीनों को धर दबोचा गया। देखिए, इस मामले में मानसा पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में, और मास्टरमाइंड गोल्डी बरार जो कनाडा में बैठा हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई को बताया है। अब तक शूटर समेत 20 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला के घर की रेकी की थी। लेकिन अभी भी बताऊं, गोल्डी बरार जो कनाडा में बैठा हुआ है, कनाडा से अलग अलग देशों में मूवमेंट कर रहा है, वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। साथ ही साथ अर्मानिया की बात करें तो वहां पर एक आरोपी सचिन, उसको हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी 2 इसमें मेन आरोपी वो एजेंसियों की पकड़ से दूर है। एक गोल्डी बरार, दूसरा लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, वो भी फरार चल रहा है। तो इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए जो पंजाब पुलिस है वो सेंट्रल एजेंसी से लगातार मदद ले रही है, इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कराया गया है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि दीपक मुंडी जो लगातार फरार चल रहा था और फरारी के दौरान बाकायदा ऑडियो भी रिलीज कर रहा था, पंजाब पुलिस को धमकी भी दे रहा था कि जो इनकाउंटर हुआ उसका बदला ऐसा लिया जाएगा कि इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा, उसको एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, और अगर अरविंद ये नाटकीय घटनाक्रम नहीं होता तो शायद अभी भी ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाते। ये तो इत्तेफाक हुआ, जिस तरह से पूरी कहानी सामने आ रही है इनकी गिरफ्तारी की, कि नेपाल पुलिस ने इनको पकड़ा, उसके बाद क्योंकि सर्विलांस पे इनके फोन थे तो इंटरसेप्ट किया गया और जाकर के फिर पुलिस को इस बात की जानकारी भारत में लगी। अगर ये पूरा घटनाक्रम नहीं होता तो किस तरह से पुलिस पकड़ती इनको?
जी बिल्कुल, देखिए बेहद दिलचस्प है और ये आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, मैं आपको बताऊं। दरअसल ये जो तीनों आरोपी हैं, इस गैंग की बात करें तो ये मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दीपक मुंडी, जब ये पूरा हत्याकांड हुआ सिद्धू मूसावाला का, उसके बाद कपिल पंडित जिसे गिरफ्तार किया गया उसने उसे सपोर्ट किया, और एक राजेंद्र उर्फ जोकर है उसे, उन दोनों ने सपोर्ट किया, और ये बिहार नेपाल बॉर्डर के गांव में छुपे हुए थे। लेकिन जब गोल्डी कनाडा में गोल्डी बरार ने इनको नेपाल भागने के लिए कहा तो मेन बॉर्डर से न होते हुए गांव के रास्ते से जा रहे थे। बिल्कुल अरविंद, अभी भी कुछ और आरोपी हैं जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिन्हें कब धर दबोचा जाएगा, सबकी नजर इस पर भी बनी हुई है। शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।